नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं, जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर अपनी व्यथा बताते हुए कह रहे हैं कि किस तरह से 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों को उनके हाल पर सरकार ने छोड़ दिया है और इतना आश्वासन मिलने के बावजूद भी एक वोट बैंक की तरह भी उनको यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण अपडेट है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ईपीएस 95, उनकी तो ये आदत है कि वो कुछ बोलते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं। तो यहाँ लिखा है शायद उनके दिल में ये विश्वास बैठ गया है कि ये जो 78 लाख ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं उनके किसी काम के नहीं हैं और उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। वरना जब उनसे दो दो व्यक्तिगत रूप से बैठ कर सारी व्यथा में प्रार्थना के अवगत कराया जा चुका है और पिछले 8 वर्षों से बुजुर्गों द्वारा सहायता की गुहार लगाई जा रही है, तब भी अनदेखा करने का भला क्या सबब हो सकता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात की जा रही है कि दो दो बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की जा चुकी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आगे लिखते हैं कि बेचारे ईपीएस 95 के असहाय देश के 78 लाख पेंशनरों ने क्या गुनाह किया है। वो तो जिंदगी के ऐसे उम्रदराज लोग हैं जो रोजाना अभाव में जीते हुए एक एक कर राम को प्यारे होते जा रहे हैं। अपने आप को प्रधानमंत्री कहे जाने के बदले प्रधान सेवक मानने वाले आदरणीय से अब भी सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद किसी दिन उन पर भी नजर पड़ जाए, उनका मन पसी जाए। यही उम्मीद ही तो है जब अब तक बहुतों के जीने का सहारा बनी हुई है, जिसके कारण कुछ अभी भी जिंदा है। आगे ईश्वर की मर्जी। कितनी बार देश के कोने कोने बुजुर्ग पेंशनर अपनी प्रार्थना लिए दिल्ली पहुंचते रहेंगे। कितनी बार प्रधानमंत्री जी का ध्यान अपने जीवन यापन की भीषण स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। इस बार फिर जुलाई 2024 को दिल्ली में पेंशनर्स महा आंदोलन करने जा रहे हैं। यदि सरकार हमेशा की तरह इस बार भी मौन धारण किए बैठती है तो शायद ईपीएस 95 पेंशनरों को भी अपना कोई अंतिम फैसला लेना लाजमी होगा। कहीं तो अनुमेय विनय के दौर का अंत तो होना ही चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 78 लाख पेंशनर्स आज अपने उस जीवन के पड़ाव में हैं जहाँ पर अभाव की ज़िंदगी वे जी रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, मात्र इस आशा में है कि कभी तो प्रधानमंत्री का मन पिसेगा और वो ईपीएस 95 पेंशनर की मिनिमम जो बढ़ोतरी है उसको पूरी करेंगे और पेंशनरों को उनका उचित न्याय प्रदान करेंगे। इसी आस में बहुत सारे पेंशनर अभी भी लगे हुए हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आप लोगों के साथ में साझा करी। आपका इस बारे में क्या विचार है, आपके क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है, अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।